Manali Saab, thank you so much for taking your time out on today's theme. The first question that I want to ask you is that if you look at Quran, we find that it is filled with warnings on the day of judgment. Why is this so? देखिए, इसका ताल्लुक इस बात से है कि खालिक का क्रिएशन प्लान क्या है. खालिक का क्रिएशन प्लान यह है कि उसने इंसान को, इंसान की जिंदगी को दो पीरियड में बांट दिया. प्री डेथ पीरियड, पोस्ट डेथ पीरियड. तो पोस्ट डेथ पीरियड जो है वो इटर्नल पीरियड है, ये टेम्प्रेरी है. तो जब खालिक का जो क्रिएशन प्लान है वो ये है कि इस प्री डेथ पीरियड में जो कि टेम्प्रेरी है, उसने अगर अपने आप को तैयार नहीं किया तो इटर्निटी में उसको हमेशा के लिए उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा. यह जो कृष्ण प्राण है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस बन जाता है, बहुत ज़्यादा सीरियस. इस वजह से कुरान में बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया है, बहुत ज़्यादा, ताकि इंसान यानी एटर्नल महरूमी से अपने को बचाए. ज़ाहिर है कि एटर्नल महरूमी से ज़्यादा सीरियस बात कोई नहीं, कोई और नहीं हो सकती. इसलिए इट इज़ बट नेचुरल के कुरान में इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है ताकि इंसान जागे. जी.